हे गाइस, आज के वीडियो में मैं कुछ थंब रूल्स के बारे में बात करूंगा। मींस जब एक स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करने जाता है तो उसके माइंड में क्या क्या कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, किन किन चीजों पर बारीकियों पर ध्यान देता है, वो चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैड प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, आपके पास से कोई भी, आपने कहा सर इसका स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है, तो मेरा पहला फोकस क्या होता है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ फुटिंग से, तो चलो तो फुटिंग में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फुटिंग के साइज सेम आ जाए। मतलब जो भी सी वन फुटिंग कॉलम के लिए है वही सी टू के लिए आ जाए, वही सी थ्री के लिए आ जाए, या फिर वेरियंट हो तो चलो दो से तीन टाइप तक हो जाए। अगर एक फुटिंग का साइज 2 मीटर है, एक का 2.5, एक का 2.3, एक का 2.5, तो उसको बनाने में कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम जाती है। हमेशा अगर को स्ट्रक्चर इंजीनियर को डिजाइन करने के लिए इसीलिए दिया जाता है जिससे वो ड्राइंग को इजी कर सके, इजी टू कंस्ट्रक्ट हो सके और सेफ रह ही रहे। तो पहला फोकस क्या हो गया कि भाई इजी करने के लिए सेम साइज को रखने की कोशिश की। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह सेम आ जाए, ठीक है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट होना पड़ता है, बट कम से कम डिफरेंट हो इसकी पूरी कोशिश की जाती है। ये फुटिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। दूसरा बात कर लेते हैं कॉलम का। कॉलम में हमेशा कोशिश की जाती है कि जो कॉलम के अंदर बार पड़े, जो कॉलम के अंदर बार पड़े वो बार ऐसा हो कि सिमिलर जाए, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग स्टैड प्रो पढ़ते हो या फिर आरसीडीसी या ईटीएफ जो भी पढ़ते हो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के, उसमें जो भी बार आते हैं वो बार कैसे कि कोई दिखा दिया 20 mm का, कोई दिखा दिया 16, कोई दिखा दिया 12 mm का। तो अब ऐसा तो इजी तो नहीं है ना वैसे करना है, भाई नीचे 12 mm ऊपर 16 mm, ये कैसे हो सकता है, नीचे 16 ऊपर 12 दैट इज ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें क्या फोकस करना चाहिए। कभी कभी दिखा दिया नीचे 12 का 6 बार है, ऊपर 16 का 4 बार है, तो ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए। तो भाई ये कुछ इस तरीके से होता है, सिंपल सा लॉजिक देता हूँ आपको, ठीक है। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था और वहां के लिए जो किराया लगेगा वो 10 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 रुपए किराया लगेंगे। अब या तो आप ऑटो वाले को 5-5 के 2 सिक्के दे दो, या फिर 10 रुपए का पूरा नोट ही दे दो या फिर सिक्का ही दे दो, और या फिर उसको 2 रुपए का एक, 1 रुपए का एक, फिर 2 रुपए का एक और 5 रुपए का एक करके 10 रुपए दे दो, ठीक। ऐसे ही बार होता है। बार की एक रिक्वायरमेंट है कि 1.2%, 1.3%। तो अब हमें देखना होता है कि 12 mm का 6 डाल दें या फिर 16 mm का 4 डाल दें, या फिर 16 के 4 को हटा के 12 mm के 4 डाल दें और 16 mm के 2 डाल दें। कुलरा के वेट मेंटेन करना है, मींस परसेंटेज ऑफ स्टील मेंटेन करने के लिए हमें ऐसा बार डालना पड़ता है जो सिमिलर भी जा सके, प्लस परसेंटेज ऑफ स्टील पॉइंट में इधर उधर वेरी कर रहा है, दैट इज निगोशिएबल, मींस उसको निगोशिएट करके कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। इसीलिए एक्सेल यूज करते हैं कभी कभी, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को डाल दिया जिससे एक्सेल अपने आप प्रॉपर रिजल्ट आपको करके दे दे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान दिया जाता है कि बार जो हो वो इक्वल हो। तो अगर कभी स्टैट से या फिर आरसीडीसी से किसी से भी रिजल्ट आता है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सीधी बात थी, सपोज मैं कितने केजी का हूँ, मैं उसे सपोज नहीं, शायद मैं 78 या 70 केजी का अप्रॉक्स, चलो अब मान लो मैं 70 केजी का हूँ, मुझसे कोई फाइट करने आ रहा है, तो अब मेंटेन करना है अपने को, मतलब उसको मेंटेन करना है, तो या फिर वो 70 का दूसरा आ जाए, या फिर 40+30 का कोई आ जाए, मतलब एक 40 का आ जाए, 30 का आ जाए, तो वेट मेंटेन हो रहा है क्या? यस, मेंटेन हो रहा है। तो मतलब हमें परसेंटेज मेंटेन करना है, बार के साइज सिमिलर देने की कोशिश करना है। बाकी लैपिंग वगैरह का जो ध्यान देते हैं वो तो आपको ही पता है कि नीचे से L/4 तक नहीं रखते लैपिंग, ऊपर से L/4 तक लैपिंग नहीं रखते, बीच में लैपिंग रखते हैं, वो छोटे छोटे चीजें हैं। सिर्फ बहुत से चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली चीजें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब चलिए, और अगर आप चाहते हो और ऐसे और ढेर सारे बहुत कॉन्सेप्ट है और ढेर सारे करूं, तो कमेंट कर देना भाई, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, कुछ से रिलेटेड में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं बीम की। बीम में हमेशा कोशिश किया जाता है, सबसे पहली चीज बीम में जो कोशिश की जाती है कि वो कभी भी जो बीम है उसका जो विड्थ है कॉलम के विड्थ से ज्यादा ना हो, बीम का जो विड्थ है वो कॉलम के विड्थ से ज्यादा ना हो, ठीक है। अब वो लोग चलो सर ये तो चलो क्लियर कर दिया, बीम का डेप्थ
सॉरी बीम का विड्थ और कॉलम का विड्थ बराबर हो सकते हैं, बट बीम का विड्थ ज्यादा नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज लोड सही से ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमारे माइंड में पहली चीज होती है। दूसरी चीज हमारे माइंड में ये होती है कि अगर हम कोई भी बीम डिजाइन करें तो उसका जो डेप्थ रखें, जो उसका डेप्थ है, तो होता ना कि स्पैन बाय 12 से स्पैन बाय 15 के बीच में रखें। कुछ जगहों पर स्पैन बाय 16 तक फॉलो करते हैं, बट इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना डेप्थ देके क्या करोगे। तो स्पैन बाय 12 से स्पैन बाय 15 के बीच में हम लोग प्रैक्टिकली कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया बीम की बात, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बीम का। और बीम में बार जो होता है हमेशा जनरली आप जानते हो 10 mm का यूज करते हैं हम लोग, कई जगहों का अगर छोटी बीम है तो 8 mm का भी यूज कर लेते हैं, बट जनरली हम लोग 10 mm का प्रीफर करते हैं, थोड़ी बड़ी साइड है 12 mm तक लेके जाते हैं, जो जनरल रो हाउसेस की क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अब इसको कंसिडर हाई रेंज से मत कर लेना, हाई रेंज में थोड़े अलग बार जाएंगे डेफिनेटली, उसमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड होगा, क्रैंक अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्रैंक का एंगल होगा। चाहते हो आप उस पर भी वीडियो तो कमेंट करो, मैं कमेंट से ही मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी कमेंट से ही वीडियो बनाया, क्योंकि डेफिनेटली आपको नीड है तब मैं बताऊं तो अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं स्लैब की। स्लैब में सबसे पहला फोकस क्या होता है कि अगर तुम अपनी स्लैब को फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, जो कि शॉर्टर स्पैन बाय बेसिक वैल्यू टू मॉडिफिकेशन फैक्टर है, उस फॉर्मूले से करोगे तो कई जगहों पे 150 का स्लैब आ जाएगा, कई जगहों पे 125 का आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर क्या इस जगह पे 125 दूं, किस जगह पे 150 दूं, या फिर इस जगह पे 180 दूं, इस जगह पे 200 दूं, ऐसा करूं क्या? तो कभी भी रो हाउसेस में याद रखना आपको सिमिलर स्लैब देना चाहिए। अगर 125 ले रहे हो तो सारे जगहों पे 125 लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक जगह पे फेल दिखा रहा था, फेल दिखा रहे हैं अगर, तो सोचो कि उस पर कोई स्पैन डाल सकते हैं क्या, मतलब बीम कोई सेकेंडरी बीम डाल सकते हैं क्या, या फिर हिडन बीम डाल सकते हैं क्या। मान लो तुम्हारे 5 स्लैब है टोटल, ठीक है, अब उसमें से एक स्लैब है जो मांग रहा है 150 मांग रहा है, बाकी सब 125 पे काम हो जा रहा है, तो हमारी समझदारी क्या है? हमारी समझदारी ये है कि 125 ही करो, जहां पे फेल हो रहा था वहां पर एक हिडन बीम डाल दो। अगर आपको लगता है कि उससे भी पास नहीं होगा तो आप एक सेकेंडरी बीम डाल दो, बट कभी भी अपने एक स्लैब के चक्कर में सबका डेप्थ मत बढ़ाओ, या फिर उसका अलग और उसका अलग मत रखो, वो कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है स्लैब के, बीम के, कॉलम के और फुटिंग के। आपको और डिटेल में चाहिए रिजल्ट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करो कि हाँ सर मुझे और डिटेल में चाहिए कि एग्जैक्टली कौन कौन से चेक देखते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक का चेक है उससे क्या डिफरेंस आता है, डक्टाइल डिटेलिंग का चेक लगा दिया तो उससे क्या डिफरेंट आएगा, ये सब पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अगर डायनेमिक एनालिसिस कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, डायाफ्रेम यूज कर लिया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये सब पता होना चाहिए अगर आप लोग ईडीएफ वगैरह सीख रहे हैं तो। मैं वैसे डायाफ्रेम पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि आपका कमेंट आया था, बाकी टॉपिक्स पे भी आपको चाहिए तो नीचे बताना। अगर टाइम स्ट्रीम एनालिसिस चेक कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा हो रहा है, पुश ओवर एनालिसिस से आपको क्या फायदा हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ, पक्का आंसर करना, कोशिश करना कि आंसर देने की, गलत या सही बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्यों करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अब आप बताना कि हाई रेंज बिल्डिंग में टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्यों करते हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि कौन सही जवाब को देता है, नेक्स्ट टाइम उसका नाम भी लूंगा किसने सही जवाब दिया था। तो कोशिश करिए आपको जो भी गलत सही आंसर आता है ट्राई टू एक्सप्लेन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैसे डायफ्रेम के बारे में बताने वाला हूँ, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड वेरी वेल कि क्या होता है डायफ्रेम, उसके क्या फायदे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ थंब रूल्स थे जो कि आपके बहुत काम में आ सकते हैं अगर आप इन पे फोकस कर गए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।